हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ, मतलब हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ और होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट। जो अर्थ है, हमारी होमलैंड जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक मतलब जिस पर बार बार चेंजेस होते रहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। अब देखो, ये रही हमारी अर्थ, तो अर्थ का ये जो पोर्शन होता है आउटसाइड और ये होता है इनसाइड, तो आउटसाइड में तो चेंजेस होते ही है, बट इनसाइड में भी चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वॉट इज द अर्थ मेड अप ऑफ। क्या कभी आपको आश्चर्य नहीं होता कि हमारी जो अर्थ है इसके अंदर क्या रहता होगा और किस चीज़ से ये जो अर्थ है ये बनी हुई है। सो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कहाँ मिलेंगे, इस चैप्टर में। सो देखते हैं, अभी फर्स्ट टॉपिक है इसका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर क्या होता है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे। जस्ट लाइक एन अनियन, अनियन पता है ना आप लोगों को, ऐसा ऐसा होता है अनियन, लेयर पे लेयर होती है। सो जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनादर। तो बिल्कुल इस अनियन के जैसी ही होती है हमारी अर्थ, जिसमें क्या होते हैं ना, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बट यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग पता है आपको, सभी सर्कल का जो सेंटर होता है वो एक ही होता है, सो इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। जैसे कि ये एक लेयर हो गई, ठीक है, और फिर ये दूसरी लेयर और ये थर्ड लेयर, तो ये हमने लेयर्स बना दिए कहाँ, अर्थ के अंदर। बट सभी लेयर का सर्कल सेंटर देखो क्या है, एक ही है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये जो सेंटर है सबका सेम है, सो ऐसे सेंटर को बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक। मतलब इस सर्कल का भी यही सेंटर है, सेकंड का भी यही है और थर्ड का भी यही सेंटर, तो इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। तो ऐसे लेयर पे लेयर होती है कहाँ, हमारे अर्थ के इनसाइड में। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो, अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है ना, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्रस्ट। ये देखो यहाँ पर लेबलिंग है, अपर मोस्ट को बोलते हैं क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, और जितनी भी लेयर्स है अर्थ के अंदर सबके कंपैरिजन में क्रस्ट लेयर जो होती है ये सबसे थिनेस्ट होती है। थिनेस्ट मतलब पतली होती है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल, ये हो गया था। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। अब यहाँ पर ध्यान दो, कॉन्टिनेंटल मास बोला है, सो कॉन्टिनेंटल मास पे ये जो हमारी, फिर ये यहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट है ये कितनी होती है, 35 किलोमीटर, और जो ओशियन फ्लोर्स होते हैं यहाँ पर होती है 5 किलोमीटर। अब हमें ये तो बाद में पता चलेगा कि कितनी थीन है, कब, जब हम दूसरे लेयर्स के बारे में जानेंगे, बट अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट का समझते हैं। ये देखो यहाँ पर कॉन्टिनेंट है और इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये इसके देखो, ये बताई है कि ये होती है 35 किलोमीटर, ठीक है, और ये रहा ओशियन और ये है ओशियन की क्रस्ट, सो ये होती है 5 किलोमीटर इतनी, ठीक हो गया, 15 नहीं है ये है 5 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एलुमिना। जो मेन मिनरल पाए जाते कहाँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब कि इस एरिया में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं सिलिका एंड एलुमिना। सो इन्हें शॉर्ट में बोला जाता है सियाल। देखो सिलिका और एलुमिना, सो इसे बोलते हैं सियाल, ठीक है। एस आई किसके लिए होता है, सिलिका के लिए, और ए एल किसके लिए होता है, एलुमिना के लिए। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड सीमा। एस आई फॉर सिलिका एंड एम ए फॉर मैग्नीशियम। अब देखो हमने कॉन्टिनेंट का तो देख लिया, अब आते ओशियनिक क्रस्ट में। इस क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम, सो इसे बोलते हैं सीमा, और यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो होते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सो इसे बोलते हैं सियाल। यहाँ पे सी आई एस आई होता है सिलिका और ए एल होता है एल्यूमिना, और यहाँ पर भी एस आई होता है सिलिका और एम ए किसके लिए होता है, मैग्नीशियम के लिए, ठीक हो गया। मिनरल्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कॉन्टिनेंट पे क्या होते हैं, सिलिका एलुमिना, और ओशियनिक क्रस्ट पे क्या होते हैं, तो सिलिका और मैग्नीशियम। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज अ मैंटल, क्रस्ट के नीचे ही क्या होती है, मैंटल होती है, विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। देखो
मेंटल की कितनी है 2900 किलोमीटर। अब देखो बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे होता है द इनर मोस्ट लेयर इज अ कोर विद रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। देखो अभी पढ़ा हमने मेंटल के बारे में और अब देख रहे कोर। सबसे पहली लेयर तो थी क्रस्ट, ठीक है, और इसके बाद हमने देखा मेंटल, मेंटल के बाद आते कोर पे। तो ये जो कोर होती है ना इसका मेजरमेंट हमें बताया 3500 किलोमीटर और मेंटल का कितना था 2900 किलोमीटर। और जो क्रस्ट थी ये तो कॉन्टिनेंट पे 35 किलोमीटर थी और ओशियोनिक इसमें 5 किलोमीटर इतनी थी। सो हम बता सकते हैं ना कि कोर सबसे ज़्यादा थिक है, फिर मेंटल, और सबसे थिनेस्ट क्या है तो क्रस्ट है। ठीक हो गया। चलो इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे। देखो जो कोर होती है, देखो ये तो थी अर्थ, यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं, ये तो है अर्थ, ठीक है, बाहर की क्रस्ट, यहाँ पर मेंटल और यहाँ पे होती है कोर। तो ये जो कोर होती है ना इसमें मेनली क्या पाए जाते हैं, निकल एंड आयरन पाए जाते हैं। सो इसी वजह से इसको बोला जाता है निफे। निफे मतलब Ni किसके लिए होता है, सो निकल के लिए होता है, और Fe किसके लिए होता है, फेरस, जिसे आयरन भी बोलते हैं। सो ये हो गया निफे। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होते हैं ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये देख लेते डू यू नो इसमें क्या बताया हमें। द डिपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। देखो माइन के बारे में बताया, डिपेस्ट माइन कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर, और कितने डिप है तो 4 किलोमीटर, मतलब अर्थ के अंदर 4 किलोमीटर। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डिप। और ऑयल के सर्च में इंजीनियर्स ने क्या किया था, 6 किलोमीटर तक डिग कर लिया था। टू रिच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखो ये रहा सेंटर, तो सेंटर तक पहुँच पाना ये कोई पॉसिबल से तो बात है नहीं। यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डिप ऑन द ओशन फ्लोर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर इतना डिग करना पड़ेगा, तब जाके हम अर्थ के सेंटर पर जा सकते, जो कि पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर से एक है यहाँ पर, डू यू नो में आपको बोला है द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अच्छा वॉल्यूम के बारे में बताया, लेयर्स जो होती है ना क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो क्रस्ट की अगर बात करें तो ये 1% इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है अर्थ का, और 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल। देखो 84 लगता है मेंटल को, एंड 15% मेक्स द कोर, और 15% कोर लगा लेती है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। कितनी होती है रेडियस, 6371 किलोमीटर। सो ये तो लेयर के बारे में था। अब देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जो अर्थ क्रस्ट होती है मतलब कि ये जो आउटर मोस्ट वाली होती है ना ये, सो ये बहुत सारे रॉक्स से बनी होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। देखो किसी टाइप का भी नेचुरल मास मिनरल मैटर का जो क्या बनाता हो, अर्थ क्रस्ट बनाता हो, वो क्या होता है, रॉक होता है। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। तो ये जो रॉक होते हैं, जो पत्थर होते हैं, इनका कलर डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है, टेक्सचर बनावट उनकी अलग होती है। देर आर 3 major types ऑफ रॉक। तो यहाँ पर 3 major type ऑफ रॉक्स के बारे में बताया, जो कि बहुत बार पढ़े हैं, है ना, साइंस वगैरह के चैप्टर्स में, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इनका ओरिजिन देख लेते हैं तीनों रॉक का। इग्नियस देखो लैटिन वर्ड होता है इसका इग्निस, जिसका मीनिंग होता है फायर। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन, मतलब सेटल डाउन हो होकर ये वाला रॉक बनता है। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड है इसका मेटामॉर्फोस, मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब एक टाइप का रॉक है सो ये चेंज होके कोई दूसरे टाइप का रॉक बनेगा, सो ये होता है फिर मेटामॉर्फिक। ठीक हो गया। चलो अब वन बाय वन एक एक रॉक के बारे में देखते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा कूल्स हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स सॉलिड। तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड। ये मैग्मा होता कहाँ है, अर्थ के अंदर, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। तो जब पिघला हुआ जो मैग्मा है वो जब ठंडा हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। रॉक दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। और जब ये ठंडा होता है, सॉलिड बनता है,
तब बनता है रॉक। और जो ऐसे रॉक्स बनते इन्हें बोलते इग्नियस रॉक। मतलब ये तो थी अर्थ, अर्थ के अंदर था ये मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा, ये बाहर आ जाता है अर्थ के आउटर सरफेस पे और यहाँ पर आके ये कुल ठंडा हो जाता है, सॉलिड बनता है, तो इग्नियस रॉक बनते हैं। ठीक हो गया। दे आर अल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। और इग्नियस रॉक को है ना प्राइमरी रॉक्स बोला है, क्यों? क्योंकि इनसे फिर बाकी के रॉक्स बनते हैं। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। आर इग्नियस रॉक के दो टाइप्स है, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। अब देखते हैं इंट्रूसिव किसे बोलेंगे और एक्सट्रूसिव किसे और कब बोलेंगे। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो? वॉल्केनो आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा, है ना, नेचुरल डिजास्टर जो साइंस में चैप्टर आता है उसमें। सो उसमें क्या होता है ना, लावा बाहर आता है। लावा क्या होता है कि ये जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा होता है ना, पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, वो जब अर्थ के ऊपर आ जाता है, आउटर सरफेस पर आता है, सो तब इसे बोलते हैं लावा। ठीक हो गया। ये मैग्मा ही है, अर्थ के आउटर सरफेस पे आया, सो इसे बोला जाता है लावा। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा। लावा क्या होता है? फायरी रेड कलर का मोल्टन मैग्मा ही होता है, पिघला हुआ। कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट सरफेस, जो कहाँ से आता है? अर्थ के अंदर से, अर्थ के आउटर सरफेस पर आता है। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes a solid. और जब ये molten magma अर्थ के सरफेस पर आता है लावा बनकर, तो rapidly cool हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। और जब ठंडा होता है, rock form in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. तो तब जो rock बनते हैं उन्हें बोला जाता है extrusive igneous rock. देखो ये थी अर्थ, अर्थ के अंदर क्या था? मॉल्टन मैग्मा था। ये बाहर आया तो क्या बना? लावा बना। और बहुत ही जल्दी ये ठंडा हो गया और रॉक बना। सो इसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। वैसे इग्नियस रॉक तो ऐसे ही बना मतलब बनता है, बट इग्नियस रॉक के दो टाइप थे, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। तो हमने एक्सट्रूसिव देख लिया, जो बाहर आता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है, सो एक्सट्रूसिव रॉक। अब नेक्स्ट पे आते, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। और इसका बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट। और जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये मेडअप है किससे? बसाल्ट रॉक से। समटाइम्स अ मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डिप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब देखो हमें किसके बारे में पढ़ना है? इंट्रूसिव के बारे में। एक्सट्रूसिव देख लिया, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होता है ना कि ये अर्थ है और यहाँ पर है मोल्टन मैग्मा, तो इस मोल्टन मैग्मा को यहीं पर, यही कहीं पर है ना, थोड़ा सा कम टेम्परेचर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया, सो ये जो मैग्मा है ये यहीं पर ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर जो रॉक बनते, फिर ऐसे रॉक को बोला जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखो यही दिया है यहाँ पे। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डिप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कहाँ कूल हो जाता है वो? डिप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक सो फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। समझ में आया? मतलब अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है वो बाहर आया और ठंडा हो गया, सो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और ये जो मैग्मा है ये अर्थ के अंदर ही क्रस्ट लेयर पर ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, सो इसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। और क्योंकि ये धीरे धीरे कूल डाउन होते, क्योंकि अर्थ के अंदर ही वो ठंडा हो रहा है ना, यहीं पर कूल हो रहा है, सो धीरे धीरे होगा क्योंकि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सो ये धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। तो ग्रेनाइट आप लोगों को तो पता ही होगा, ग्रेनाइट एक ऐसे ही रॉक का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट के यूजेस यहाँ पर बताए, पेस्ट बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए, स्पाइसेस, ठीक है, सो इनका यूज होता है। रॉक्स रोल डाउन। अब रोल डाउन का मीनिंग क्या होगा कि देखो एक ऐसी है ढलान है और यहाँ से क्या हो रहा है, रॉक्स ऐसे रोल डाउन मतलब नीचे नीचे आ रहा है, सो क्या होता है, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल फ्रैगमेंट। अब हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ लिया, सो ये रॉक अगर ऐसे नीचे रोल डाउन करके आते तो एक दूसरे से टकराते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, सो इनके क्या बनते हैं फिर? छोटे छोटे फ्रैगमेंट पीसेस बनते हैं। द स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है सेडिमेंट। मतलब ये ऐसे ढलान थी और फिर
यहाँ पे एक रॉक ये दूसरे रॉक को आके टकरा गया, तो फिर क्या हुआ, ये ब्रेक हो गए और छोटे छोटे है ना टुकड़े हो गए इन रॉक्स के। सो इन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर एक्सेट्रा। अब इन सेडिमेंट के साथ क्या होता है, तो देखो दो रॉक जो थे वो टकरा गए और छोटे छोटे यहाँ पर सेडिमेंट्स बन गए। फिर इन सेडिमेंट्स को अपने साथ कौन लेके जाता है, विंड और वाटर लेके जाती है। दिस लूज सेडिमेंट आर कॉम्प्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। और फिर क्या होता है, देखो थोड़े से यहाँ पे सेडिमेंट आ गए, ऐसे बैठ गए यहाँ पर आके, ठीक है, फिर दूसरे सेडिमेंट्स आ गए वो भी यहाँ पे बैठ गए, और इस टाइप से क्या होता है, तो यहाँ पे एक रॉक बनता है। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड हो जाते रॉक बनता है, तो ऐसे रॉक को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक हो गया, देखो इग्नियस रॉक से बिल्कुल डिफरेंट है सेडिमेंट्री। इग्नियस कैसे बना था, वो मैग्मा लावा की वजह से बना था, वो कुल होने की वजह से, है ना। बट सेडिमेंट का क्या है कि रॉक जो है वो एक दूसरे से टकराते हिट करते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स उनके बन जाते हैं जो एक दूसरे पे आके फिर डिपॉजिट होते हैं, और इनके डिपॉजिट होने की वजह से जो रॉक बनते हैं उन्हें बोला जाता है सेडिमेंटरी रॉक। यहाँ पे एग्जांपल बता आपको, फॉर एग्जांपल जो सैंडस्टोन होते हैं इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो सैंड से बने होते हैं। दिस रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। अब देखो यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में आपको बोला गया है, तो हमने ये तो अभी पढ़ लिया कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं, कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे आ जाते हैं, जो टुकड़े होते हैं रॉक्स के वो ऐसे आते हैं। सो इस टाइप से बनता है सेडिमेंट्री रॉक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्लांट्स एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सो इनके कुछ जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर ऐसे आके बैठ जाते हैं। ठीक हो गया, ऐसे फिर यहाँ पर फिर से सैंड आ गई और भी कुछ टुकड़े आ गए, और ये हो गए अच्छे से कॉम्प्रेस, तो इनका बनता है फिर एक स्टोन पत्थर रॉक, जिसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। फॉसिल्स यहाँ पे बताया आपको प्लांट एनिमल और जो बाकी के ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बॉडी का रिमेन्स, तो वहाँ पे भी होता है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इंटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर देने से क्या होता है, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक इनके बारे में अभी पढ़ा, ये चेंज हो जाते हैं थर्ड टाइप के रॉक में, जिसे बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, जो क्ले होती है ना क्ले, ये चेंज हो जाती है किस में, स्लेट में। एंड लाइमस्टोन जो होता है ये चेंज हो जाता है मार्बल में, जो कि ये अलग टाइप के स्टोन रॉक है। ठीक है, फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो क्ले किस में हो रही है, स्लेट में, और लाइमस्टोन किस में हो रहा है, मार्बल में। सो ऐसे टाइप के रॉक्स को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो कितने टाइप के रॉक देख लिए हमने, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस कैसे बनते हैं, तो मैग्मा लावा की वजह से बनते हैं जब वो कूल हो जाते हैं। सेडिमेंट्री कैसे बनते हैं, तो दो रॉक अगर टकराते हीट करते हैं और छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं रॉक के, तो वो डिपॉजिट होते रहते हैं, प्लांट एनिमल के भी रिमेन्स वहाँ पे जुड़ जाते हैं, और इनसे बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक कैसे बनते, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ही चेंज हो जाते हैं, तो चेंज होने के बाद जो रॉक बनते हैं उन्हें बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, रॉक जो होते हैं वो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। देखो कैसे, द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, जो हार्ड रॉक्स होते हैं ना वो रोड बनाने के काम आते, हाउसेस बनाने के काम आते, बिल्डिंग बनाने के काम आते। यू सी स्टोन्स इन मिनी गेम्स, आपने स्टोन को गेम्स में भी देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल सेवन स्टोन जिसे बोलते पिट्ठू, ठीक है, हॉप स्कॉच जिसे बोला जाता है स्टापू, या फिर किटकिट। फाइव स्टोन्स होते हैं जैसे गिट्टी बोलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, नेबर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बोला कि स्टोन के जो यूजेस है या फिर जो गेम्स होते हैं वो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स को पूछ सकते हो, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पता होंगे पहले कि इसमें ना खेलते थे पत्थरों से, अब नहीं खेलते, अब तो मोबाइल आ चुके हैं ना। लेट्स डू, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मोन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू बिल्ड देम। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। आपको क्या करना है, मोन्यूमेंट्स के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और आपको पता करना है कि किस रॉक से ये मोन्यूमेंट बनाए गए हैं। टू पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू, देखो दो पिक्चर्स यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं, जो कि ये फर्स्ट है, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। देखो रेड सैंडस्टोन से बना है रेड फोर्ट, और ये ताजमहल जो कि किससे बना है, मार्बल,
मार्बल क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक है, जो किससे बना था, लाइमस्टोन, है ना, लाइमस्टोन चेंज होके क्या बना था, मार्बल. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर. अब देखो यहाँ पे बोला है कि आप लोग सरप्राइज्ड हो जाओगे ये जानकर कि एक टाइप का जो रॉक होता है वो चेंज हो जाता है अनदर टाइप में कुछ कंडीशन के अंडर, ठीक है, साइक्लिक मैनर में होता है. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल. तो एक रॉक था, ये दूसरे में कन्वर्ट हो गया, फिर ये तीसरे में ट्रांसफॉर्म हो गया, और ये तीसरा फिर से फर्स्ट में हो गया, फिर से ये जो फर्स्ट है ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया. तो कुछ इस टाइप से चलता है रॉक का. अब यहाँ पे देखेंगे हम साइकिल निकाली गई है. देखो पहले तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर साइकिल समझने में ईजी जाएगा. यहाँ पे हमें बोला है यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक. अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो ऊपर आ जाता है लावा बनकर, और जैसे ठंडा होता है इग्नियस रॉक बनता है. दिस इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स. ये भी पढ़ा हमने. फिर दो इग्नियस रॉक टकराते हैं और क्या बनता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक. और फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं और इनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. लेकिन ये इग्नियस रॉक और ये सेडिमेंट्री रॉक जब इन्हें हीट प्रेशर बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होते हैं. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा. बट फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो कुछ कंडीशन, मतलब हीट वगैरह अगर मिल जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर मेटामॉर्फिक जो रॉक होते हैं ये फिर से मॉल्टन मैग्मा बन जाते हैं जो कि पहले का था. दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक. और फिर से यही मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, सॉलिडिफाई होता है और फिर से इग्नियस रॉक बनता है. देखो अब समझते ये साइकिल. इस पूरे थियोरी में देखो क्या बताया था आपको, ये जो यहाँ पे गिवन थी ना थियोरी, इसमें बताया है कि मैग्मा ये बाहर निकलता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद क्या बनता है, तो इग्नियस रॉक बनता है. फिर इग्नियस रॉक हीट करते एक दूसरे को सेडिमेंट बनते, देखो ऐसे पीसेस बनते, और सेडिमेंट से बनता है सेडिमेंटरी रॉक. फिर ये जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंटरी रॉक है, देखो इग्नियस रॉक और ये सेडिमेंटरी रॉक, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है. और देखो यहाँ पे एरो से भी आपको बताया गया है कि इग्नियस रॉक के सेडिमेंट, सेडिमेंट का सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी का मेटामॉर्फिक होता है. और भी यहाँ पे एरोज आपको दिखाए गए हैं, जो इग्नियस रॉक है ना इसका सीधा क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है. और फिर यहाँ पे आपको बताया है कि जो सेडिमेंटरी रॉक है ये मैग्मा में भी कन्वर्ट हो जाता है, और जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसका भी मैग्मा बनता है. मतलब कैसा, कि सबसे पहले तो मैग्मा ऊपर आया, ठीक है, फिर इससे बना इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से बना सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से बना मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक फिर से मैग्मा बन रहा है. सो इसे बोलते हैं फिर साइकिल. तो साइक्लिक मैनर में ये क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक दूसरे के. इसमें क्लियर हो गया. सो यहाँ पे हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा, अब इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स जो होते हैं वो डिफरेंट मिनरल्स से बने होते हैं. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. मिनरल कैसे होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग, मतलब नेचुरली हमें मिल जाते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है मिनरल्स का. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. और हम लोगों के लिए मिनरल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कुछ मिनरल का एज अ फ्यूल यूज करते हम लोग. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, इनके यूजेस तो हमें पता ही है कितने ज़्यादा है ना, फ्यूल के जैसा यूज़ करते. दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन का तो कितना ज़्यादा, इतने सारे व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं ना. एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, मिनरल्स है जो बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज़ करते इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, मेडिसिन में भी, फर्टिलाइजर्स में भी. सो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर कम्प्लीट हो गया.
इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।